नमस्कार, मैं ईशा शर्मा स्वागत करती हूं आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए देखते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। लॉकडाउन के चलते दिल्ली एवं नोएडा से लाखों मजदूर देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में पैदल ही आ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इसमें महिलाएं एवं बच्चे भी हैं, जिसमें ये काम करते थे उन कंपनियों ने इन्हें बिना पैसे दिए, बिना नोटिस के निकाल दिया। ये लोग भूखे प्यासे अपने बच्चों के साथ पैदल ही सफर करने को मजबूर हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनमें कोई संक्रमित तो नहीं है? अगर है तो उसकी पहचान कैसे हो? इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़क पर हैं। खैर, ये एक गंभीर विषय है। आज लॉकडाउन का चौथे दिन है। टीवी चैनल पर इस पलायन की जैसे ही खबर चली और लोगों ने इनकी तकलीफ देखी, तो देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इन लोगों के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया। इसी क्रम में मिलक में भी हिंदू बाम मुस्लिम भाइयों ने फल, बिस्किट, मास्क और भोजन का वितरण कराया। इस पुण्य कार्य में उक्त जगह आर तैनात दरोगा प्रमोद कुमार ने भी पूरा साथ दिया और लोगों को बस एवं ट्रक रोककर उसमें बैठाया। हिंदुस्तान न्यूज 24 के लिए मिलक से विकास वशिष्ठ। क्या नाम भैया तुम्हारा? रमेश। रमेश कहाँ से आए हो? यूपी से।
हाँ यूपी से। यूपी में किस जगह से आए हो? क्या काम करते हो? क्या काम करते हैं? ठेला वाला चलाते रिक्शा। अच्छा अच्छा, तो आपका जाना कहाँ है? तुम यूपी जाना? यूपी जाना है। कैसे जाओगे? अब पैसे भेजोगे तैसे जाएंगे। तो जहाँ काम करते थे वहाँ से कुछ तुम्हें भाड़ा पैसा कुछ दिया गया? नहीं। कुछ नहीं दिया गया? क्या काम करते थे वहाँ? स्लेटरी। स्लेटरी का। तो इतनी दूर तक कैसे पैदल आए? किस चीज से आए? पैदल आए। अच्छा, तो किसी ने आगे किसी संस्था उसने सेवा उसने संस्था ने आपकी कोई मदद करी किसी तरीके की, पैसे की, खाने की? मदद कहाँ, जब कहीं मिले नहीं तो कहाँ से मदद करेंगे। यहाँ पे मिला है आपको? मैं रखा था थैले में, वो भी खाया था। तो आगे किसी ने खिलवाया होगा? नहीं नहीं, मैं सीधा आते रहे, इसमें कहीं मैंने भी लिया। इधर एक रख लो बाकी। क्या नाम है? मोहम्मद अजीम। हाँ, तो भाई लोग दूर से आ रहे हैं, कैसे लगा कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, खाना खिलाना चाहिए? टीवी पर देखा लोगों को, हमने देखा परेशान रोड पर, जब हम निकले तो लोग छोटे छोटे बच्चे थे, किसी गोदी में बच्चा है माँ की, परेशान है बेचारे, पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। अब इसके आगे की व्यवस्था करनी थी तो भूखे प्यासे भी थे। तो आपके साथ और कौन कौन लोग हैं? है 5-6 लोग हैं हमारे साथ में, इकबाल है, जमाल है, विक्की है, और भी लोग हैं हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम जमाल खान। कैसा लग रहा है भैया इन लोगों को जो भूखे प्यासे बाहर से आ रहे हैं सेवा? भाई ये लोग बहुत रो रहे हैं, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, इनको फैदाबाद गोरखपुर जाना है, इनके हाथ पैरों में दर्द भी हो रहा है, बेचारे रो रहे हैं, 4-8 महीने के बच्चे हैं, इनको दूध खिलाया है हम लोगों ने अभी, खाना खिलवा के इनको आगे बस से इकट्ठा करवा के ट्रक में बिठलवा के इनको आगे भिजवाएंगे। आप कहाँ जा रहे हो? यार विकास भाई, हाँ पार्टी हो रहा है उसका यार।